आज की सहरी में भाई हमारे पास पराठे कीमा दही, तो चुपचाप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। उस व्लॉग को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। रमजान के भाई 13-14 दिन बाकी है, तो आपका भाई करने वाला है व्लॉगिंग डेली, तो मतलब मुश्किल है लेकिन आपका भाई करेगा जरूर। टाइम हो रहा है भाई 4:41, काफी टाइम ज्यादा हो गया, तो पहले सहरी कर लेते हैं, इसके बाद सारी बातें करते हैं। 5 minutes later सहरी तो भाई कर ली, लेकिन हमारे पास सिर्फ बाकी है अभी 6-7 मिनट, और हमें ब्रश भी करना है, हर चीज जल्दी 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 यार, अभी तो रमजान में टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। जल्दी करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। ब्रश भी कर लिया, जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। चलो 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 चलो, टाइम कम है, टाइम कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सही डन हो चुकी है हमारी, अभी सहरी की दुआ पढ़ते हैं। वो अभी सौमी का दिन नवई रमजान सही डन भाई, रोज़ा हमारा बंद हो चुका है, और अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर वजू करके नमाज़ पढ़ने चलेंगे। नमाज़ है 5:15, अभी भी मतलब 10-15 मिनट बाकी, तो वजू करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वजू कर लिया भाई, अब चलते नमाज़ के लिए, और नमाज़ मेरे ख्याल से मतलब आपका भाई थोड़ा बहुत लेट हो चुका है, इसलिए यार फिर समझ लो दूसरी मसरूफियात भी होती है, लेकिन नमाज सबसे पहले नमाज़ भाई सारे टाइम की पढ़नी है यार, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा पांचों टाइम की नमाज़ पढ़नी है, और हाँ तरावी की पाबंदी करनी है रमज़ानों में खुसूसी भाई। तो टाइम हो चुका है 5:15 जमात थी, और 5:19 हो चुके हैं, 4 मिनट लेट हो गया। और मसला ये है कि यार मतलब जो फजर होती है उससे पहले 2 सुन्नतें फजर की पहले पढ़नी पड़ती है, वरना फिर उजाला होने के बाद। तो अभी चलते पैदल चलते हैं, लिफ्ट को बुलाने का टाइम नहीं है, बल्ले मतलब रोज़ा हमारा हम खाली हो जाएंगे, लेकिन नमाज़ पहले जल्दी जल्दी की नमाज मतलब आखिरी लगा चलिए मेरे ख्याल से, और लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो सुबह यासीन की तिलावत होती ना उसका मज़ा लगा आपको भाई, आपको सुनाएगा टेंशन नहीं लो। नमाज वमाज पहले भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पेशली सुबह यासीन सुनना है, और वो भी फजर के बाद, क्या मज़ा आती है। और यहाँ का भाई बार मतलब यहाँ का भी बहुत प्यारा व्यू हो रहा है, और चांद सामने मतलब अभी तक चांद मतलब डूबा नहीं है, तो मैं आपको करीब जाके चांद दिखाता हूँ। ये है भाई रमज़ान की 14वीं 15वीं का चांद, फुल मून कोई मतलब कोई ऐसे में एडिटिंग नहीं करी, ये काफ़ी मतलब यहाँ से वो देखो वो सामने ऐसा लग रहा है कोई लाइट वाइट लगाई है, लेकिन चांद है भाई ये माशाल्लाह यार। अभी लेते हैं भाई हम लोग 3-4 चांद की तस्वीर, और थोड़ा इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक बनते हैं हम लोग, तो जल्दी से तस्वीर खींचते हैं। 5 minutes later एस्थेटिक भाई तस्वीरें तो हमने ले ली हैं। अजान भाई सही, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं सुबह। रोज़ा रखा है ये बताओ पहले, हैं झूठ झूठ नहीं, कहाँ पर रखा, फ्रिज में या फिर पेट में, ये पेट में या ये पेट में, पक्का पक्का। देखो भाई यार बच्चा भी रोज़े रखता है, सारी नमाजें पढ़नी रोज़े के अंदर, ऐसा नहीं नमाज नमाजें छोड़ दो, आप रोज़ा फाका नहीं, अलाउ नहीं ये चीज़, घर जाओ सो और फिर मिलते हैं हम दोपहर या शाम में। चलो भाई मैं भी जा रहा हूँ घर में सोने के लिए, मिलते हैं आपसे सीधा शाम में। उठ चुके हैं भाई हम लोग, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 6:30 बज रहे हैं इफ्तारी में, सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट बाकी। आपका भाई कब से बाहर था, अभी नहीं उठा भाई, ज़ोर असर सारी नमाज़ें पढ़ी है, आपका भाई बाहर थे सारी मतलब घर के सामान और लेने गया था, तो इसलिए मैं अभी घर में एंटर हुआ हूँ। आपको पता है यार अगर आप बाहर छोटी मोटी चीज़ लेने जा रहे हो कराची के अंदर, तो फिर फ़ोन लेके जाना मतलब एक वो नहीं है कि आप खुद ब खुद अपना फ़ोन छिनवाना चाह रहे हो, ये भाई मेरा कराची। देखो यार भाई जो फैक्ट है अब सच है, कड़वा है लेकिन है तो सच। अभी करते हैं भाई इफ्तारी की तैयारियाँ सारी, क्योंकि यार आप लोग भी अपने घर वालों का अपनी मम्मा का साथ दिया करो, प्रिपरेशन करवाते हैं इफ्तारी की, और देखते हैं इफ्तारी मम्मा पे है क्या क्या। किचन में भाई अम्मी का हार्ट बटा लिया, और इफ्तारी मतलब थोड़ी बहुत बन चुकी है, मतलब 60-70% बन चुकी है, सर्व करना बाकी। अभी हमने चौकीदार की प्लेट बना ली है, तो सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे चौकीदार को देंगे, और भाई आप लोग भी दिया करो यार अपने चौकीदार को, जितना अपने लिए खुद के लिए जितना बनाओ, भले एक प्लेट दो लेकिन दो ज़रूर, तो चलते अभी चौकीदार को देते हैं। इफ्तारी देखे भाई हम लोग पार्क में आ चुके हैं, और ये हमें मिल गया, अभी तो रोज़ा है या तोड़ दिया रोज़ा पक्का। मेरे को इसके ऊपर शक होता है, पता नहीं क्यों इसकी शक्ल देख कैसा लगता है, इसने रोज़ा वोज़ा नहीं रखा, ये बहुत रिलैक्स घूम रहा है आजकल, रोज़ा नहीं लगाना रोज़ा पक्का, रखा है नहीं रखा, अभी बोला नहीं रखा, चल लग नहीं रहा भाई आज भी यार। सूरज देखो ये मतलब यहाँ मतलब बहुत प्यारा व्यू आता है, कौवा और सूरज देखो, इसके कौवे के पीछे पूरा सूरज है, और यहाँ पे बच्चे पार्क में खेल वेल रहे हैं सारे, ये भी बच्चा ही है समझो, लेकिन ये हमारा मतलब अच्छा बच्चा, ये नहीं बच्चा नमाज भी पढ़ता है भाई ये। अरे हाँ नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी भाई नहीं पढ़ी, पूछ पक्का नमाज भी पढ़ता, अच्छा बच्चा फिर तो पक्का अच्छा बच्चा। चलते हैं घर पे, और भाई देखते हैं कि इफ्तारी माज बना क्या क्या, वैसे हमने देख तो लिया है लेकिन फिर भी वापस दिखाऊंगा मैं आपको, दस्ता जब सज जाएगा ना जब दिखाऊंगा मैं आपको।
सारी कर लिए भाई हमने, चलते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है हम लोग को। प्लान कुछ बना हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। रमज़ान है भाई, हर जगह रौनक है। 15 रोज़ हो चुके तो हर जगह, मतलब कराची के अंदर रौनक है, हर दुकान खुली हुई होती है, तो कहीं ना कहीं हमें जाना तो ज़रूर है, क्योंकि ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। चलते हैं नमाज़ पढ़ते। नमाज़ पढ़ के भाई हम फारिग हो चुके हैं, बच्चा वापस मिल गया। क्या खा रहे हो? यार इतना छोटा हो गया तो ऐसी ऐसी चीज़ें खा दो, शर्म नहीं आती आपको? ये बताओ, रोज़ा खोल लिया? रोज़ा नहीं था ना? अच्छा भाई, अभी का सीन है, अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेल बैग देखने के लिए फराज के छोटे भाई के लिए। तो ये लोग फराज, ये खराब, चलते ट्रेल बैग देखते हैं और देखते हैं, मतलब ये बोल रहे 15,000 की मिल जाएगी। दो सीन में इसके मुंह से खुश सुनवाता हूँ, कितने की मिलेगी ट्रेल बैग? 50,000 रुपए। कितने की? 15 से 50 पे आ गया। अगर अगर एक या डेढ़ से कम की हुई ना तो मैं इसको दे दूंगा, बस जाओ। इतनी बड़ी बात करो, मैं इसको खुद दिला दूंगा, दिलाऊंगा नहीं लेकिन फिर भी दिला दूंगा भाई। 1.5 लाख रुपए की बोल रहा हूँ। चलते हैं ना, अभी देख लेते हैं, अभी जा रहे हैं ना, देख लेते हम कितने की सही। आ जाओ। लो भाई, हमारे साथ प्रैंक हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग आए और सारी मार्केट ही बंद है, मतलब पूरी मार्केट बंद है। यहाँ पे हम लोग आए हुए बाइक देखने के लिए, लेकिन रमज़ान में और ख्वार हो गया। कल आएंगे इस तारीख से पहले, कल परसों जब भी हम फ्री होंगे जब आ जाएंगे। अभी चलते हैं घर पर और मूड ऑफ हो गया है, घर पर जाके देखते हैं क्या करना है। घर पे तो भाई हम लोग आ चुके हैं, लेकिन मसला ये कि अफसोस हुआ, हम लोग वहाँ गए और दुकान बंद थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग एक दो दिन में वापस चक्कर लगा लेंगे जब हम लोग फ्री हो जाएंगे। अभी भाई हमें क्रिकेट खेलने जाना है और टाइम हो रहा है 1:30 बजे तक भाई, मतलब मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 बजे हम लोग अभी तक गए नहीं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। हमने खाना बाहर से खा लिया, उसका ब्लॉग नहीं बनाया। बहुत कम यार आपका भाई बार मोबाइल लेके जाते, क्योंकि यार कराची के आपको हालात पता है कैसे। और नया मोबाइल ले लिया यार, देखो माशाल्लाह 12 Pro Max अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलता है अभी क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा यार, आपका भाई जो क्रिकेट खेलने जाते हैं वो जाते हैं बराबर से बराबर ही बिल्डिंग में, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के बच्चे खेलते हैं नीचे, उनकी बिल्डिंग के बच्चे खेलते हैं अपनी पार्किंग के अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर। तो पहले लिफ्ट बुला लेते, इसके बाद बातें करते। तो पार्किंग के अंदर ही खेलते, मतलब अपन मन में भाई बरगड़ बच्चे, नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पार्किंग के अंदर खेलते मज़ा आती है काफ़ी। और वहाँ पर मतलब वेंडिंग मशीन भी लगी है, और आपको प्यास व्यास लगी हो तो कुछ खा भी लो, पी भी लो, और अगर भूख लगी तो कुछ खा लो। ये काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पर एक फैसिलिटीज़ है, हर बिल्डिंग में होनी चाहिए, हर नहीं मतलब जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है हर बिल्डिंग में होनी चाहिए। लिफ्ट आ गई है, बातें काफ़ी कर ली हमने, तो चलते जल्दी से नीचे का बटन दबाते और बराबर से बराबर बिल्डिंग में क्रिकेट खेलने। नहीं महीने मिलता हूँ यार, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अभी तक कोई आया नहीं देखो खेलने के लिए। बाइक वाइक खड़ी हुई लेकिन कोई है नहीं नीचे, तो टाइम पास करने के लिए वेंडिंग मशीन की तरफ जाते हैं। जैसा कि भाई मैं आपको बताया था, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे कि वेंडिंग मशीन के अंदर से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तभी मेरा बिग एप्पल पीने का दिल हो रहा है, 50 रुपये की है। नोट की आप हालत देख सकते हो, शायद यार ये नोट रिजेक्ट कर दे, इस नोट पे कायदे से बना हुआ है, ये रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए भाई। दो सेकेंड होए कायदे की वैल्यू, वाओ। हाँ आ गए। नंबर क्या है? 44 ना, 44 प्रोडक्ट, प्लीज़ वेट। यहाँ पे है भाई, आ रही, आ जा, आ गई। चलो भाई, अपना जुगाड़ हो गया भाई। लेकिन जब ये नीचे गिरती है ना, इसकी सारी गैस खुल जाती है यार, इसको मैं पीऊँगा तो इसमें से गैस निकलेगी। देखो ये मैंने खोली, खुल जा, ये देखो सारी गैस आ गई ऊपर। कोई बात नहीं भाई, आपको 24 घंटे आपके बिल्डिंग के अंदर एक स्टोर समझ लो, अगर बच्चों को चीज़ें वीज़ें लेनी हो तो वो खुला हुआ है। अच्छी चीज़ है यार ये, भाई शायद मॉल्स में देखी होगी कि वेंडिंग मशीन लगी हुई, बिल्डिंग में शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो जहाँ तक मेरा ख्याल है। मज़ा आ गया, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं आया, लेकिन यार आप इनका इंतज़ार करना पड़ेगा, करते इंतज़ार क्या करते। भाई बॉयस आ चुके हैं हमारे काफ़ी टाइम बाद, तो खेलते क्रिकेट आज यार, मतलब काफ़ी कम बंदे और हमें भी जाना है शहरी पे दोस्तों के साथ, तो आज मतलब सिंगल विकेट ही खेलते, एक दो मैच खेलते, इसके बाद चलते घर पे। पहली बॉल क्रिकेट खेलने के बाद फ्री हो चुका हूँ, नीचे जा रहे हैं और सैरी करने भी जा रहे हैं, तो इस ब्लॉग को फिर यहीं से एंड करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं, मतलब आज का यार गेम मतलब फुल बच्चों वाला था, बहुत कम लोग थे वैसे, मतलब हर दफ़ा होते लेकिन आज बहुत कम थे। तो यार इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, आपका भाई वापस ब्लॉग में पा गया, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।